उलझन बोली अभी यार सुबह उठना पड़ेगा ठीक है तो let's stick with this try to make it louder अच्छा जी यहाँ पे कितनों ने ताली बजाएगी सभी ने बजाई आपने भी बजाई अच्छा तो मुझे ये बताएं कि आप सुबह उठे आपने मैसेज देखा कि आज का सेशन कैंसिल हो गया तो आपका क्या सामना होगा नीचे किसी को बहुत ज्यादा खुशी हुई ये आप लोग क्या है आप लोग खुश नहीं हो आपका वही है आप है क्या है ऐसी कौन सी खुशी है जरा खुल के पीछे से भी आवाज आनी चाहिए शाबाश 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 अच्छा जी आप अब आप लोगों से क्या पूछा जाए आप काफी परेशान लग रहे हैं इसलिए मैं आपको टारगेट कर रही अच्छा टेल मी समथिंग यू ड्राइव अच्छा इफ यू वर ड्राइविंग एंड यू गेट अ टेरिबल ट्रैफिक जाम व्हाट्स द फर्स्ट साउंड यू हियर उफ आप तो कौन है उफ तो अब होगा ये मैं जहां जहां इशारा करूंगा आप लोगों ने अपने अपने सेक्शन की आवाज निकाल दी ठीक है On the count of three. One, two, three. Yeah. अच्छा जी थोड़ा सा चार्ट अप हो गए तो थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं The reason why I'm telling you all this is कि as I grew up मैं होता क्या था कि अपनी कॉट पे बिठा के चली जाती थी और उस टाइम पे VCR होता था तो VCR पे इंडियन मूवीज के गाने लगा दिए या कुछ भी इस तरह कोई लगा दिए कार्टून या सब तो मैं बड़ा फैसिनेट होता था देख के यार कितना जबरदस्त कर दिया और वो and since I was little मुझे बस फैसिनेशन मिलती थी ये एक्टिंग और ये सारी चीजें देख के एंड आई वांटेड टू बी एन एक्टर एक बड़ी जबरदस्त कोई मैरियट होटल वाली म्यूजिशियन के पीछे हां नहीं पता आप लोग बताएं आपको सुननी है म्यूजिक साथ हां सुननी है आपने पसंद आ रही है ठीक चल सुन लो या आपका पेट आपको बता रहे हैं म्यूजिक नहीं बता रहे है ना भूख लग रही है थोड़ी थोड़ी मुझे बात करें अच्छा तो मुझे ना हमेशा से एक्टिंग का शौक रहा पैशन है मतलब है क्या और किसी भी गैदरिंग में जा रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं तो हमें इनोसेंट सा तो साथ साथ थोड़ा सा शाही भी था तो एक दफा क्या हुआ एक किसी की बर्थडे थी ना आई वाज जस्ट 6-7 इयर्स ओल्ड और बच्चे नाच रहे हैं गाने लगे हुए हैं तो मेरी फैमिली ने मुझे भी बोला कि यार आओ कुछ जरा तुम भी डांस करो ना तुम भी इतना देखते रहते हो ये वो इससे पहले तक मेरा सही होता था कि मैंने अपने जो पीसीआर पे गाने देखे हुए थे वो मैंने हिप्स किए हुए थे बकायदा मैं बता रहा था हाँ इस गाने में अभी लड़की आई अभी लड़का आया अभी मैंने हाथ पकड़ा अभी गंदा सीन आ गया इतना इनोसेंट था ना बस ये करता था तो लेकिन कभी गाने नहीं चलते तो मैं शौक के मुझे आके डांस करो मैं नहीं ऐसे ये वो फिर तब से एक गाना आया मैं उस पर नाच रही मुझे अच्छा लगा गाना मैंने कहा मैं डांस करूँ बस एंड आई स्टार्टेड डांसिंग और मेरी दादी ना अजीब सी शक्लें बना दी क्या नहीं जैसे वो बिरयानी खाते हुए कम से हमें इलायची आ जाए ना ये क्या कह
पता नहीं तो बिरयानी में इलायची डालते क्यों, ये भी मुझे समझ नहीं आता, कहते खुशबू के लिए बिरयानी को डिओडोरेंट लगा दे तो खुशबू चाहिए। एनीवे तो आइडिया हुआ चीजों का और मुझे हुआ कि हाँ यार आई एंजॉय परफॉर्मिंग। एंड जब स्कूल में आए, स्कूल में चल रहा था तो उसमें भी होता था कि कोई प्रेजेंटेशन हो रही है, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सबसे पहले बता दो मैं मिस प्लीज मैं अच्छा बेटा आ जाओ, पता भी नहीं कि करवाना क्या है, वैसी कोई नेम सी स्किप कराते थे उसके साथ पहले क्लास का उसमें डिस्कस करते थे यू नो जो ही जो ही जो मैं कहा कुछ रॉन्ग, तो वो इस तरह का हिसाब था बट दैट नेवर स्टॉप मी। सो आई रियलाइज दैट प्रॉबली एक्टिंग इज माई पैशन एंड इट्स नॉट, we all know that it's not really easy to get into this field and make it big. So what I thought was ke nahi jahan tak passion hai karte rahe apna shauk kiya school mein o levels a levels mein aaye to zyada events hona shuru hua zyada participate karna shuru kiya zyada acha maza aana shuru hua perform karne mein university mein aaye aur isi tarike se theater wagaira shuru kiya. So that passion was there, but I had no direction. कि अच्छा ये है तो ये कर तो रहे हैं लेकिन कब तक करना है और क्या करना है, इसी में करना है काम। पढ़ मैं रहा था कंप्यूटर साइंस, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर का दौर चल रहा था उस वक्त। At that अभी तो you all are media science students, right? So I was avid graduate. When I was in my second year, तब जाके media science introduced हुआ था. Considered a proper field. Media science को समझते थे पैसे कमाने के लिए डिग्री स्टार्ट कर दी होना कुछ नहीं, और उस वक्त मेरा भी दिमाग इतना खुला हुआ नहीं था, मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, कौन सा मैंने फॉरन कोई मुझे प्रोजेक्ट्स मिल जाने या मैंने कोई जबरदस्त कोई चीज कर लेनी है तो इट्स बेटर टू स्टडी व्हाट एवर आई एम स्टडिंग, नहीं हुआ तो फिर जॉब कर लेंगे अपना नॉर्मल कॉर्पोरेट लाइफ में घुस जाएंगे। बट साथ साथ आई केप्ट ऑन डूइंग थिएटर प्लेस, मैंने कहा यार ये छोड़ना नहीं है काम, ये जब जब मौका मिलेगा करते रहे। अब लेटर ऑन व्हेन आई ग्रेजुएटेड तो हमारे थोड़े से फाइनेंशियल क्राइसिस के फैमिली में थोड़ा टेंशन थी एंड थ्रू आउट माय बैचलर्स आई यूज्ड टू गिव ट्यूशंस ताकि मेरे पास थोड़ी पॉकेट मनी आ जाए। इस तरह अपने क्लास के बाद कहीं निकल गए, शीशा पी लिया, कहीं खाना खा लिया, अब बाकी सब दोस्त जा रहे हैं तो मैंने भी जाना है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ एडिंग मोर बर्डन टू माय पेरेंट्स आई जस्ट गिव ट्यूशंस। मैथ में अच्छा था, मैथ आती थी मुझे, तो मैंने कहा ट्यूशन पढ़ा देता थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे सब डिपार्टमेंट में। अब वो जब बैचलर्स खत्म हुआ और जॉब करने की बारी है तो आई हैड टू डू माय एमबीए, फाइनेंशियल क्राइसिस ऑलरेडी थे, तो क्या करें क्या करें। अच्छा ट्यूशन तो अच्छी पढ़ा देता था ना, तो एक काम करते स्कूल में भी जाके पढ़ा देता तो मसला ही होगा। तो आई स्टार्टेड टीचिंग इन स्कूल्स और शाम में मैं दिन में मैं कंपटीशन पढ़ाता था और शाम में जाके एमबीए की क्लासेस लेता था, लाइफ वाज गुड, सब अच्छा चल रहा। फिर उनके भाई को मोहब्बत, उनकी बड़ी बहन से बात हुई, उन्होंने कहा बेटा यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, तुम्हें कुछ करना होगा ताकि हम भी बात कर सके पेरेंट्स से कि हाँ भाई ये चीज वेल सेटल्ड है मेरी थी। मैंने कहा बस डन, मैंने ऐसा पढ़ाना शुरू किया, मैं बस पढ़ाते रहो रुको ही नहीं, कमाओ बस पैसे कमाओ जल्दी से कमाओ, रेस में लग रहा। सुबह 8 से शाम 6 बजे तक आई वुड टीच नॉन स्टॉप, आई वाज टीचिंग एट, आई वाज 22 एट दैट टाइम, आई वाज टीचिंग एट सिटी स्कूल, आई वाज टीचिंग एट ज़ारिस्ट, आई वाज टीचिंग एट अनीस हुसैन, इसके अलावा मैं क्रिकेट ट्यूशन भी पढ़ा रहा था। इसके साथ साथ मैं एक आई डोंट नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन रोड ट्रैक Rotary International सोशल वेलफेयर के लिए की ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्टूडेंट में उसका प्रेसिडेंट भी था, जब मौका मिलता था थिएटर भी करता था और उसके साथ साथ शाम को 6:30 से 9:30 एवरी डे एमबीए की क्लास भी लगता था, मतलब लग पाता था फुल फुल ऑन। 2008 की है बात, 2010 शुरू हुआ है और आई मैंने कहा चलो हम बात करते हैं, बात हुई मंगनी हो गई, मैंने कहा बस अब सब सेट, अब कोई टेंशन नहीं। देन व्हाट हैपेंड
was something that I didn't expect. अच्छा जब मेरी मम्मी हो रही थी तो मम्मी से एक हफ्ता पहले I sat with the girl and I told her every single thing about me and my family and everything. मैंने सब बता दिया. मैंने कहा ये सारी चीजें हैं. अगर कोई इशू है अभी बता दो. I'll back out. नहीं है तो let's do this. मैंने भी बताया कि भाई मैं टीचिंग उस वक्त बहुत enjoy करता था. Because it's always it exhausts you. टीचिंग आपको मेंटली फिजिकली कंज्यूम कर देता है. बट वेन यू सी योर स्टूडेंट्स अचीविंग समथिंग, वेन यू सी दैट आपने अपनी नॉलेज किसी में ट्रांसफर कर दी है और वो उस नॉलेज को यूज में लेके आके सक्सेस था, क्लैरिटी नहीं थी. तो मैंने कहा मैं टीचिंग ही करूँगा. हाँ मम्मी होगी. मम्मी के कुछ महीने गुजरे तो पता चला वो टीचिंग से खुश नहीं था. टीचिंग से भी खुश नहीं है और मीडिया की फील्ड से भी खुश नहीं था. क्यों? उनको चाहिए था कि मैं कॉर्पोरेट जॉब करूं, क्योंकि सोशल स्टेटस भी तो एक चीज होती है, शश की भी तो एक चीज होती है. एंड दिस इज अ फैक्ट. मैं कहीं भी जाता था किसी महफिल में बात होती थी, आप क्या करते थे? मैं टीचर हूं. हाय हाय जॉब नहीं करते? अबे ये भी जॉब है भाई, ये आपसे ज्यादा थकाने वाली जॉब है. बट लोग नहीं समझते थे. काफी देर उनको कन्विंस करने में लगाया, नहीं समझी. एमबीए मेरा खत्म होने वाला था तो मैंने कहा कि यार जिंदगी इसी के साथ गुजारनी है और कौन सा मैं यहाँ पे कोई जबरदस्त कोई मतलब ऐसा भी नहीं है ना कोई लेजेंड बन गया या मेरे कोई स्टार्टअप आ गया तो देर से गारंटी कि यहाँ कुछ होगा कुछ चलेगा. ठीक है प्रॉपर जॉब भी कर लेता हूँ. एमबीए खत्म हुआ. जिस दिन मेरा एमबीए खत्म हुआ मैंने अपना एग्जाम दिया. मैं शाम को ट्यूशन पढ़ा रहा था. कुछ महीने पहले एक थिएटर प्ले हुआ, इट्स कॉल्ड मौलान रूज. और वो प्ले जब मैं देखने गया था तो आई वाज ब्लोन अवे. इन स्लिपर्स भी फट गई. मैं देख के परेशान हो गया कि यार कराची में इतना जबरदस्त थिएटर होता है इस इंटरनेशनल लेवल पे. गिव इट अ शॉट, मैं ट्राई तो करूंगा. तो कमिंग बैक मेरा एमबीए खत्म हुआ. मैंने ट्यूशन व्यूशन पढ़ाई. उस वक्त उसके अगले प्ले के ऑडिशन चल रहे थे बॉम्बे ड्रीम्स नाम. तो मैंने कहा कि यार जाऊं जाऊं मेरे दोस्त ना जाओ वही फॉर्मल ड्रेसिंग ट्यूशन के कपड़ों में एज इट इज मैं चला गया ऑडिशन देने रैंडमली कि अब ऐसी एमबीए खत्म हो गया है कॉर्पोरेट जॉब करनी है. वो कहते हैं मंडे से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश वो मैं अपनी पूरी कर रहा था. तो मैंने कहा जाके दे देता ऑडिशन. ऑडिशन दिया, घटिया ऑडिशन दिया. इतना बुरा ऑडिशन दिया. वहाँ ऑलरेडी अच्छे खासे लोग सिलेक्ट हो गए थे. उनकी रिहर्सल शुरू हो गई थी. डायरेक्टर ने मुझे बुलाया था. हाँ ये लाइन से जरा देख लेंगे कर दें. मैंने उससे तैयारी की. अपनी तरफ से मैं जबरदस्त जा रहा था और डायरेक्टर देख रहे थे सब सही है कि एनर्जी नहीं है. तो क्या एनर्जी रहा हूँ? बट ऑब्वियसली वो कमर्शियल थिएटर में हैव टू हैव अ लाउड प्रोजेक्शन. मतलब उसकी प्रोजेक्शन ऐसी होती है कि यू डोंट हैव माइक्स 400 के without this mic, I can be as loud as I want and आवाज कटनी नहीं चाहिए. ठीक है तो इस तरह का हिसाब किताब होता है. फिर पता नहीं अल्लाह का करना तो मैंने फिर भी सिलेक्ट कर लिया और मैंने वो प्ले किया. वो प्ले करना मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था. एंड एट द सेम टाइम आई कुड आल्सो सी दैट थिंग्स वर काइंड ऑफ फॉलिंग अपार्ट विद मी एंड माय फ्रेंड्स. तो हुआ ये कि मैंने वो प्ले कर लिया अपनी वो कहते हैं ज़्यादा सिमरन झा जी अपनी जिंदगी. तो वो मैंने अपनी जिंदगी उस थिएटर प्ले में जी. कॉर्पोरेट जॉब लग गई. जॉब के पहले दिन मैं ऑफिस में हूँ और उसने बोला कि भाई ऑफिस पर आके मुझसे मिलना. ठीक है कुछ सेलिब्रेट करेंगे. मैं गया उसके पास. उसने मंगनी तोड़ दी. So that was a life-changing experience. Why? क्योंकि हम अपनी तरफ से हजार चीजें प्लान कर लेते हैं. मैंने सोचा था यही बन गई है भाई, ये तो डन सीन है. हर फैमिली लाइक्स मी, माई फैमिली लाइक्स हर, सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन और यही होगा, यही करेंगे, यही होगा.
But it didn't work out. बिल्कुल यहाँ पे था और मुझे यहाँ जाके रख दिया. वो चीज सबसे पहले पता करना जरूरी है कि आप क्या चाहते हैं और जो आप चाहते हैं वो आप कितना शिद्दत से चाहते हैं. So that is the first thing we all need to identify. Self exploration. You need to discover yourself, and you will never discover yourself fully. ये भी याद रखें. आपको जिंदगी में कभी भी कहीं भी आपको अपने बारे में कोई नई चीज पता चलती रहेगी. हमारे बारे में तो ये नहीं कर सकता हूं, वाह यार ये हो सकता है. सो आई मेड दैट मिस्टेक और मैंने अपने प्लान जिंदगी के सारे ना इसी हिसाब से कर लिए. तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने प्लान्स अपने बहुत करीबी लोगों के लिए चेंज ना करें. आप कर सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखें, आप किसी को तभी खुश रख सकते हैं जब आप खुद खुश हो. अग्री? स्ट्रगल से हम सब भागते हैं इनिशियली. मेहनत करने का हमें नहीं दिल चाहता. कौन नहीं चाहेगा कि बैठे बैठाए सारा काम हो जाए? Who doesn't want that? But if that really happens, would you care for it? Would you really care for it? आपके घर पे कितने लोगों के घर पे पानी रनिंग वाटर आता है? दादियों से बताओ आपके रनिंग वाटर आता है. नलका खोल के भूल ही जाते होंगे लोग. रनिंग वाटर है ना, आ रहा है. किसी एक दिन आपके घर पर पानी ना आए तब कदर फील होगी ना, क्योंकि यार शिट यार क्यों कर रहे ऐसे भैया. मैं तो हमारे तो काफी क्राइसिस चल रहा है. मैं तो अपने एसी का पानी जो ड्रेन हो रहा था उससे नहा देता हूँ. यार ये क्यों वेस्ट हो रहा है? जिसके लिए जो वॉशिंग मशीन से ड्रेन होता है पानी उससे ना. एनीवे, सो व्हाट आई एम ट्राइंग, माय पॉइंट हियर इज कि आपको स्ट्रगल करना जरूरी है टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट. व्हाई? कि जब आप मेहनत करेंगे और तब आपको अगर एक अचीवमेंट मिलेगी, आप कोई एक चीज अचीव करेंगे, तब आप उसको अपने हाथ से जाने नहीं देंगे. Because you will always remember the hardships you've gone through to get there. बैठे बैठे मिल गया तो निकल भी जाएगा हाथ से. तो मैंने अपनी एक्टिंग के ऊपर थिएटर बेस के थ्रू काम किया, टीचिंग छोड़ी, घुस गया एक्टिंग में कि अब मैं टीवी पे भी ट्राई करूंगा. लेकिन अभी भी आसान नहीं था काम. क्यों? क्योंकि थिएटर का एक अलग तरीका होता है. ऑडिशन होते हैं, आप जाके ऑडिशन देते हैं. अगर क्योंकि आप थिएटर प्ले में सिलेक्ट हो गए, आपको एक महीना दिया जाता है अपने कैरेक्टर के ऊपर काम करने में, आपकी लाइन याद करने में, अपनी रिहर्सल्स करने में. यू हैव एटलीस्ट अ मंथ ऑफ रिहर्सल्स एंड देन यू फाइनली गेट टू द परफॉर्मेंसेस एंड देन आपको पता चलता है आपने कितना अच्छा किया कितना बुरा किया. वो तो लाइव ऑडियंस होगी, उसी वक्त पता चल जाता है आपको. टीवी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम. टीवी में क्या होता है, आपको बुलाया, कैमरा रखा. पहली चीज, कैमरा फेस करना इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग देन फेसिंग अ लाइव ऑडियंस. बिकॉज इफ देयर इज अ लाइव ऑडियंस, आपको तालियां बजाएंगे, मुझे लगेगा हाँ यार कुछ अच्छा किया मैंने काम शायद. आप लोग ठीक हुए में कोई बात बात कर रहा है, कोई इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड है, मुझे पता है कि हाँ टीवी पे तो एक कैमरा है. और वो जब जाके टीवी पे आएगा, लोग देखेंगे, रिव्यू देंगे, तब जाके पता चलेगा कैसा काम किया. और उससे पहले आपका डायरेक्टर आपको बता देगा नहीं भाई. बिकॉज बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उनको खूबसूरती भी चाहिए होती है. बहुत सारे और चीज़ें होता है कि भाई आप स्मार्ट लगे, आप ये लगे. उस वक्त टीचिंग की वजह से माशाल्लाह से थोड़ा वजन भी ज़्यादा था सब कुछ तो. और थिएटर वाली मेंटालिटी थी, मुझे प्रोजेक्ट दें, मैं ऐसी मेहनत करूँगा, मैं यूँ वजन कम कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं जिम चला जाऊँगा. नहीं, टीवी में आपको बोला आज आपसे बात हुई, आप बोले कल आ जाओ, और उसी वक्त आपको जज कर दिया जाएगा. यू विल बी जज 24/7. आप लोगों के लिए मैं आज एज ए स्पीकर यहाँ आ रहा हूँ. मैं टी शर्ट जींस पर कभी ऐसे ही आ जाता हूँ, बैठा होता है कहते यार ये तो सीरियस ही नहीं अपने काम में. फीलिंग आती ना कुछ इस तरह की. तो यू आर बीइंग जज्ड 24/7. और मेरी वो थिएटर मलंग वाली मेंटालिटी थी, मैं तो कैरेक्टर बनाऊंगा, मेथड एक्टिंग करूंगा, कोई टाइम नहीं होता इसका. ये बात समझ में आई? Rejections. So never be afraid of being rejected.
हाँ हमेशा पहला कदम क्यों कोई और दे सकती है? Remember one thing, आपके एक्सपीरियंस अच्छे हों या बुरे हों, You will always learn from them. अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो आप डूज लर्न करते हैं, बुरा एक्सपीरियंस होगा तो आप डोंट एक्सपीरियंस लर्न करते हैं. अच्छा हुआ हाँ ये करूँगा मैं, इसकी वजह से ये अच्छा हुआ था, वो अच्छा हुआ था, बुरा यार ये भंड हो गया मुझसे, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए, ये भी भंड हो गया, ये नहीं करना चाहिए. सो इफ यू आर इन द लर्निंग प्रोसेस, क्या आप हर चीज के सीखना चाह रहे हैं तो फिर आपकी ग्रोथ ही होगी. जिस पॉइंट पर आपने ये सोच लिया मैंने सब सीख लिया आई एम गुड नाउ, आपकी ग्रोथ वहीं हो जाएगी भले आप जितने ही बड़े हो. So never be afraid of being learned, always strive to learn. ये सबसे जरूरी चीजें अपने अंदर आप गांठ बना के ना बांध लें, ठीक है. दूसरी चीज अब घुस गए मैं इसमें एक्टिंग की फील्ड में, इधर उधर जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मेरे पास ना कोई पौवा ना कोई पर्ची, और सोसाइटी को हैंडल करना एक और था. इट्स नॉट लाइक ये मुझे बड़े आराम से पेरेंट्स ने या फैमिली ने बोला कि हाँ वो है. फ्रॉम माई फैमिली, मेरी फैमिली से मेरी मदर थी जो सपोर्ट कर रही थी, अब्बा थोड़े डाइसी थे, देख लो बेटा सोच लो इस तरह की चीजें, भाई भी थोड़े वो थे, वो कॉर्पोरेट जॉब कर रहे थे, बैंक में थे, इस तरह की तुमने डिग्री वगैरह की है, काम की जरूरत नहीं, तो काम तो वो करने में मजा आता है ना कि आप रात को 12 बजे घर आए थके हो, यू हैड एन एंटायर डे फुल ऑफ वर्क एंड यू स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे. हाँ यार बहुत थक गया, कल भी मजा आएगा, कल का बहुत मजा आएगा, कल और करूंगा. दैट इज योर पैशन, दैट शुड बी द फील्ड वेयर यू शुड बी.